जो अभूतपूर्व मेहनत है उसको सफलता मिली और हिमाचल में एक बार फिर जो है कमर खिला, ये सब कार्यकर्ताओं की जीत है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और गुजरात के बारे में क्या कहना चाहिए? गुजरात में मैं गुजरात के कार्यकर्ताओं को मेहनत, उनकी जो मेहनत है उसको एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया, 22 साल से सरकार थी हमारी, थोड़ी बहुत एंटी इनकमेंसी थी, उसको तोड़कर उन्होंने वोट परसेंटेज जिस तरह से बढ़ाया है वो वास्तव में अभूतपूर्व है और ये गुजरात की अभूतपूर्व जीत है। सर एक बार फिर से हिमाचल के बारे में, बहुत मेहनत की आपने, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं की जो टीम थी वहाँ पर, जो संगठन था वो बहुत ही अच्छा था, उन्होंने नीचे तक काम किया और आज उसका परिणाम है कि वहाँ पर एक बढ़िया जीत जो है दर्ज हुई है और मैं सभी कार्यकर्ताओं को उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई देना। हिमाचल जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? हिमाचल जीत का श्रेय मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं को और वहाँ के संगठन को देना चाहता हूँ। धूमल साहब ने भी काफ़ी मेहनत की है, उसके बारे में? हाँ, धूमल साहब ने मेहनत करी लेकिन हमें दुख है इस बात का कि कहीं ना कहीं उनके विपरीत, इच्छा के विपरीत रिजल्ट आए, लेकिन ये एक मैच्योर लोकतंत्र है और उसमें जो जीत हुई है वो वास्तव में हिमाचल के लोगों ने जो संदेश दिया है हम उसको शर्माते रखते हैं और उस संदेश के हिसाब से हिमाचल के अंदर जो है आगे आने वाले समय में जो है सब हो। ठीक, बहुत धन्यवाद।